सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर व्हाट्सएप का पूरा क्लोन बना लिया था। ठीक है, व्हाट्सएप का पूरा क्लोन हमारा रेडी हो गया था। आप आज की वीडियो में हम क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट सी चीज लेके आए हैं, बट प्रोजेक्ट बेसिस पे देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है, अब अगर आप सबने अपने अपने फोन पे स्पॉटिफाई वगैरह चलाया होगा या व्हाट्सएप ओपन किया होगा तो देखा होगा कि एक स्प्लैश स्क्रीन करके आता है, राइट? पहले कुछ सेकंड के लिए व्हाट्सएप दिखता है या स्पॉटिफाई का लोगो दिखता है, देन चीजें ओपन होती है, राइट? तो वो कैसे होता है एंड उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, एक और चीज क्या करते हैं, ये करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये रहा हमारा स्पॉटिफाई जो कि ऐसा है। तो देखो अभी ये डायरेक्ट ओपन होता है, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहाँ पर हमारे पास लोगो भी नहीं है, तो क्या करते हैं लोगो के लिए ना मैं आता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर आने के बाद व्हाट आई विल राइट इज आइकन्स, आइकन स्काउट। ठीक है, iconscout.com ऐसा मैंने लिखा, एंड यहाँ पर आने के बाद व्हाट आई विल राइट इज आई विल राइट फॉर स्पॉटिफाई। ठीक है, ये देखो मुझे मिल गया मेरा स्पॉटिफाई। नीचे आना है, नीचे आते 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 यहाँ पर अबाउट हियर देखो ये दिख रहा है मुझे स्पॉटिफाई का आइकन, ये रहा मेरा स्पॉटिफाई का आइकन। इस पे जाके मुझे रिकलर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वैल्यूज मुझे स्पॉटिफाई की एड अप कर देनी है। ठीक है, तो स्पॉटिफाई की वैल्यू क्या रहती है, स्पॉटिफाई की वैल्यू रहती है हेक्स कोड में 1 1 TT 9 9 5 4। ये हो गया उसका कलर स्पॉटिफाई का, एंड ब्लैक में तो भाई ये दूसरा वाला हमारा ब्लैक ही रहता है। ठीक है, तो हो गया हमारा स्पॉटिफाई का लोगो जो है वो रेडी। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे डाउनलोड कर लूंगा मैं। ठीक है, ये देखो मेरा हो गया डाउनलोड, एंड ऐसे करके हमारा लोगो हो गया डाउनलोड। अब क्या करना है, हमको एक और चीज यहाँ पर लगानी है कि भाई लोगो मुझे दिखना चाहिए, तो मुझे ऐप का आइकन भी तो बनाना है। क्यों, क्योंकि जो मेरा ऐप है यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, ये जुरा यहाँ पर स्पॉटिफाई का लोगो तो देखे भाई, तो ऐप आइकन जनरेटर में गए तो मैं लिखूंगा ऐप आइकन डॉट co, एंड यहाँ पर ये जो मैंने इमेज डाउनलोड करी है उसका मैं ऐसे फाइल लिखूंगा, एंड सबको चेकआउट छोड़कर एंड्रॉइड में सिर्फ चेक इन करूंगा अभी, क्योंकि मैं सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बना रहा हूँ, तो जनरेट पे क्लिक करूंगा। ये नहीं देख सकते, यहाँ पर एक ऐप आइकन करके जिप आ गई है, राइट? अब क्या करेंगे, हम इस जिप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर ओपन करते ही देखो ये रही जिप, तो इस जिप के अंदर यहाँ पर मेरा है स्पॉटिफाई का, मतलब मैंने ऐप बना लिया था, ये सारी फाइल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सारी फाइल्स इसके अंदर एंड्रॉइड में आपको जाके ये जो मैप मैप है ना, मैप मैप की ऐसे जो 5 फाइल्स है इसको करो कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी रखना, एंड वापस आ जाओ अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में वापस आते ही यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जाना है सबसे पहली चीज इधर पे एंड्रॉइड में, एंड्रॉइड के अंदर ऐप में, ऐप के अंदर src में, एंड src के अंदर मेन में, एंड देन इस रेस के अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे दिख रही है 5 फाइल्स, 1 रेस के अंदर दिख रही है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे डिलीट। ठीक है, ये मेरी रेस की जो फाइल्स थी, ये जो मतलब जो कुछ फाइल्स थी वो तो हो गई यहाँ पे डिलीट। ठीक, अब क्या करेंगे हम, वो जो हमारी फाइल्स है ना जो अभी आपको मैंने दिखाई, वो सारी फाइल्स को मैं ऐसे लाके इस रेस फोल्डर के अंदर एड अप कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं क्या करूंगा, जाऊंगा इस एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट xml में, xml में, एंड यहाँ पर मेरा स्पॉटिफाई का एस छोटा था ना उसको मैंने कर दिया कैपिटल। एंड अब क्या करते हैं, अब हम भाई अपना जो ऐप है ठीक है उसको मैं यहाँ पर आके एक बार रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, रीलोड करा हमारा एप्लीकेशन दिख रहा है। एक काम करते हैं इसको ना दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा डिवाइस से कनेक्शन किया, फ्लटर रन रन करा, एंड रन करने के बाद ये इतना सेक्शन तो चलते रहना चाहिए। जैसे ही रन हो जाएगा अपने आप आई थिंक सो वो वाला जो फाइल्स है ना वो सही से दिखने लगेंगे। देखो जैसे ही ऐप रीबिल्ड हुआ देखा स्पॉटिफाई का लोगो आने लगा, राइट? देख सकते हो, तो हमारा स्पॉटिफाई का लोगो तो अब आ गया, ऐप आइकन हमको क्लियरली हमारा विजिबल है, राइट? सो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं ना बनाते हैं स्प्लैश स्क्रीन, जो कि स्प्लैश होती है ना हमको दिखती है। तो उसके लिए क्या करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना हमको, सिर्फ हमारी फाइल का जो मेन जो डॉट है ना, मेन डॉट फाइल है ना, मेन डॉट डॉट, सिर्फ इसी में रहना है हमको यहाँ पर, एंड इसी में रहते रहते हमारा सारा काम हो जाना है। ठीक है, मेन डॉट डॉट में रहना है, एंड अब यहाँ पर भैया हमको कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या है, मैं आऊंगा यहाँ पे pubspec.yaml में। ठीक है,
एंड pufftrack.yml में आने के बाद यहाँ पर मुझे दो चीजें एड अप करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन एंड हमारा पेज ट्रांजिशन, तो वो तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा. ठीक है, ये हमारा आइकन तो हो गया डाउनलोड. ठीक है, हमारे पास इमेज भी आ गई है अटैच करने के लिए, राइट, जो कि अभी हमने डाउनलोड करी. तो यहाँ पे क्या करना है, pufftrack.dev पे जाना है. एंड यहाँ जाने के बाद आई विल राइट एनिमेटेड एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन. स्पेलिंग गलत है, ओके कोई बात नहीं. तो ये रहा हमारा एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन एंड हमको यही वाला इंस्टॉल करना है, तो हम कॉपी कर लेंगे इसको यहाँ से. ठीक है, सेम थिंग फॉर हमारा एक और चीज है, दैट इज पेज ट्रांजिशन. ठीक, तो उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा. ये हो गया हमारा ऐसा. एंड इसके बाद हम क्या कर देंगे, गेट पैकेजेस. हमारे जो पैकेजेस है वो पूरे पूरे जो भी है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पैकेज वाला काम तो हो गया. अब हमको क्या करना है, एक और चीज यहाँ पर एड अप करनी है, दैट इज दिस लोगो. जो हमारी PNG जो लोगो हमको दिखेगा ना, वो वाली फाइल भी तो हमको दिखानी है. तो उसके लिए यहाँ एसेट्स में आने के बाद मैं यहाँ पर ये लोगो एड अप कर रहा हूँ. ठीक है, logo.png जो कि हमारी लोगो की फाइल है, अभी जो हमने इंस्टॉल करी, ये वाली जो हमने अभी इंस्टॉल करी ना, ये वाली, यही हमारा लोगो. तो लोगो है तो भाई उसके लिए मैंने वो उसको इंपोर्ट कर दिया. एंड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा logo.png. ठीक है, हमारा logo.png यहाँ पर हमको दिख रहा है. ठीक, इधर भी हमको एडअप हमने कर दिया, राइट. इतना पार्ट तो हमारा अभी डन हो गया है. अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, राइट. तो स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेन डॉट डार्ट ओपन करेंगे. एंड मेन डॉट डार्ट के अंदर सिंपल यहाँ पर इसके बाद हम बना लेंगे एक स्टेट लेस विजेट. ठीक है, स्टेट लेस विजेट बना लेंगे, जिसका मैं नेम क्या रख रहा हूँ, जिसका मैं नेम रख लूंगा स्प्लैश स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पर ये की कॉन्स्ट की हटा दो क्योंकि अभी हमको नहीं चाहिए. एंड ठीक है, तो ये हो गया इतना पार्ट. अब क्या करना है, रिटर्न हमको क्या करना है, हमारा एनिमेटेड एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन. ठीक है, ये दिख रहा है एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन, हमको यहाँ पर ये करना है. एंड यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्प्लैश एंड सेकेंड ऑल इज नेक्स्ट स्क्रीन. तो नेक्स्ट स्क्रीन में हमको क्या एडअप करना है, कि जो स्क्रीन हमको चाहिए कि भाई बाद में दिखे, दैट इज हमारा माई ऐप. क्योंकि यहाँ देख सकते हो माई ऐप पे ये डायरेक्ट हो रहा है, राइट. सो माई ऐप रहेगा हमारा वो वाला पार्ट. एंड यहाँ पे क्या करना है, स्प्लैश के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेनर, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर एक कंटेनर बनाना है. ठीक है, कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाने के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर यहाँ पर क्या करना है, मेरे को लिखना है इमेज डॉट एसेट. एंड इमेज डॉट एसेट के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, लोगो डॉट पीएनजी, क्योंकि हमारा लोगो ही है, राइट. लोगो डॉट पीएनजी लिख दिया. इतना पार्ट अभी हमारा डन हो गया. ठीक है, अब क्या करना है हमको ना, यहाँ पर राइट आफ्टर दिस हमको यहाँ पे पहली चीज तो एक ऐड अप करना है भाई, बैकग्राउंड कलर. तो बैकग्राउंड कलर मेरा जो मतलब जो मेरा स्प्लैश स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहना चाहिए, कलर्स डॉट ब्लैक. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन होनी चाहिए. तो ड्यूरेशन होगी भाई मेरी अबाउट 1500 सेकेंड्स. एंड जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन मतलब स्प्लैश का आइकन साइज है, उसको मैं कर देता हूँ 180. एंड जो हमने हमारा दूसरा पैकेज इंस्टॉल किया था, दैट इज पेज ट्रांजिशन टाइप, तो उसके बाद उसमें आएगा पेज ट्रांजिशन टाइप. एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फेड. ठीक है, ये हो गया हमारा फेड. अब अगर मैं इसको रन करूं, रन करा, देखा कुछ भी नहीं हुआ, राइट. कुछ भी क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां से इसको रीडायरेक्ट नहीं करा है. अभी हमको क्या करना है, इसको यहां से रीडायरेक्ट करते हुए हमको ये करना है. अगर अब मैं इसको लाइक यहां से तुरंत रीस्टार्ट करूं, तो अब देखो ये आया स्पॉटिफाई एंड देन लोड अप हो गया. ठीक है, इसको थोड़ा सा छोट टाइम और कम भी कर सकते हो, अबाउट 1200 कर दो मिली सेकेंड. सो रीलोड, हमारा स्पॉटिफाई आया एंड ये हमारा आ गया. ठीक है, तो ये ऐसा भी हम कर सकते हैं. एंड आई गेस इतना तो इजी था, समझ में आ गया होगा सबको. ठीक है, इसमें कहीं पर भी डाउट लगे कि क्या हुआ कैसे हुआ तो बता देना. ठीक है, ये इजी सा था. ऐसा ही एक सिमिलर सा बनेगा व्हाट्सएप का, तो मैं तो आप लोग से प्रेफर करूंगा कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, बट नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट्सएप के लिए भी ले आएंगे. ठीक है ना, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. कहीं भी डाउट लगे तो बता देना. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही सेम चीज व्हाट्सएप के साथ करेंगे एंड व्हाट्सएप का थोड़ा सा डिफरेंट वे से स्प्लैश स्क्रीन बनाने की ट्राई करेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज प्रेटी मच इट इस वीडियो के लिए. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय.